तो मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया और उसके बाद देशवासियों से ज्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकलकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। तीसरे चरण के लिए देश भर में मतदान चल रहा है, तो मतदान को लेकर वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी कतारें लगी हुई हैं और सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। सुबह सुबह से अच्छी तस्वीरें, सुखद तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और अच्छी बात यह है कि बुजुर्ग भी काफी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं सभी को कि हम अगर सुबह सुबह वोट कास्ट करने पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो दूसरे चरण में देखी गई कि बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया कि डिजी लॉकर को चुनाव आयोग की तरफ से अलाउ कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम एक बार बता देते हैं कि अगर आप अभी तक अपने वोट कास्ट करने नहीं गए हैं तो आप जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेकर जाने हैं, आधार कार्ड तो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो कोई चिंता की बात नहीं, आधार कार्ड लेकर जाइए, वोटर आईडी कार्ड लेकर जाइए, आप आराम से अपना मत का प्रयोग कर सकेंगे। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कार्ड हैं जिनका इस्तेमाल कर आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फोटोयुक्त आपकी पासबुक हो सकती है, इसके अलावा जो बीमा स्मार्ट कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके जरिए भी आप अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं, पैन कार्ड के जरिए भी आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, भारतीय पासपोर्ट हो या कोई पेंशन दस्तावेज, लेकिन उसमें आपका फोटो लगा होना चाहिए। और इसके अलावा भी केंद्र राज्य सरकार लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जो अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र हैं, उनके जरिए भी आप अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। लेकिन खासतौर पर जो यूथ हैं उनके बीच में ये समस्या आई थी कि हम डिजी लॉकर लेकर पहुंचे मतदान केंद्रों पर, लेकिन क्योंकि डिजी लॉकर अनिवार्य नहीं है, उसको चुनाव आयोग मानता नहीं है, क्योंकि आपको फिर मोबाइल ले जाना पड़ता है, तो मोबाइल चुनाव आयोग की तरफ से अलाउ नहीं किया जाता। तो यही वजह है कि इस बार हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि खासतौर पर यूथ से कि आप अपने आधार कार्ड को लेकर जाइए या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ऐसा कार्ड हो जो आप लेकर जाइए और आप अपने मत का प्रयोग आराम से कर पाएंगे। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा देते हैं। छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए किरण बघेल जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ संगीता शर्मा जी हैं मध्य प्रदेश से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। संगीता शर्मा जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूं क्योंकि ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत निर्णायक है। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख इस बार दांव पर लगी हुई है, आपको क्या उम्मीदें हैं और अभी जो मतदान चल रहा है उसको कैसे देख रही है? देखिए, मैं लोकतंत्र के महापर्व पर सबसे पहले ये अपील करना चाहती हूँ आपके जी मीडिया के माध्यम से कि लोग ज्यादा से ज्यादा घर से निकले और वोट करें। वोट हमारा अधिकार है और हम जिसे चाहें उसे वोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी यही अपील है, और क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है तो क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल से आती हूँ, कांग्रेस पार्टी से आती हूँ, तो मैं उम्मीद करूंगी कि जो आज 9 सीटों पर हमारे चुनाव होने जा रहे हैं तो 9 सीटों पर सबसे ज्यादा यदि मताधिकार हो तो हमारी पार्टी पर हो, हमारे कैंडिडेट जीत कर आए और इस संविधान को बचाएं और देश को बचाएं, देश की महिलाओं को न्याय दे, युवाओं को रोजगार दे, किसानों का कर्ज माफ करे और देश की जो आर्थिक स्थिति अभी वर्तमान में खराब चल रही है उसको लेकर हम चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार देश में बने जो सभी का उत्थान करे, किसी धर्म जाति आधारित सरकार ना हो, वो सभी धर्मों का पालन करते हुए, सभी जाति का सम्मान करते हुए सभी के उत्थान की बात करे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ प्रदेश के मध्य प्रदेश में, क्योंकि आज 9 सीटों पर चुनाव है और देश में अनेक सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उसी को लेकर मेरा सबसे पहले यही अनुरोध है और मैं यही अपील करती हूँ, इसे हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करती हूँ कि घर से निकले और वोट करें। डॉक्टर किरण बघेल जी, क्योंकि वोटिंग शुरू हो गई है और खासतौर पर हम देख रहे हैं कि बिलासपुर में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, 100 से भी ज्यादा मतदाता जब वोट शुरू भी नहीं हुआ था वोट पड़ना उससे पहले पहुंच गए, तो उत्साह की वजह आप क्या देख रही हैं और अपील भी कर दीजिएगा।
बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को ये अपील करना चाहूंगी कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति जरूर प्रदान करें, अपनी एक उंगली की ताकत समझें, भारत को विश्व गुरु बनाने की मार्ग में अग्रसर करें। और भारत अगर आज विकसित भारत की श्रेणी में आ रहा है, तेजी से विकसित भारत की श्रेणी में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा शासन काल की देन है। और भारत के राष्ट्र के नव निर्माण के लिए अगर आहुति देना है तो भाजपा को वोट करिए और पुनः कमल की सरकार बनाइए। और रही बात लंबी लाइन की, तो मुझे लगता है मौसम एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है लंबी कतार का, कि लोग चाहते हैं कि दिन धूप और होने से पहले अपना मत का उपयोग कर लें और धूप से बच सके। साथ ही साथ जो मोदी जी की गारंटी पर जो भारत की जनता ने या सभी बिलासपुर की जनता जो अपना विश्वास जता रहे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ठीक है किरण बघेल जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मैं संगीता शर्मा जी एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगी, और पीसीआर कोई ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर जुड़े हों तो प्लीज बताइएगा। लेकिन संगीता शर्मा जी, जिस तरह से हमने देखा कि तीसरे चरण में कांग्रेस में काफी एनर्जी दिखी, जो पहले दो चरणों में आपने प्रचार प्रसार उतना नहीं किया, जनता ने देख लिया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को चारों तरफ से ईडी, आईटी, सीबीआई, हर तरफ से हमें घेरा गया है। परंतु हम डरे नहीं, हम जनता के हक के लिए आज भी खड़े हैं और आने वाले टाइम पे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि देश जानता है कि एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिस पर देश की जनता ने 55 साल विश्वास किया है, और एक भारतीय जनता जिसे 10 सालों में ही क्वेश्चन ठीक है। मार्क आप लगे एक वजह बताइए, एक जो महत्वपूर्ण वजह बता रही है एंटी इनकम्बेंसी, मैं इस पर सवाल ले लेती हूँ। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। प्रियंका दुबे जी, 9 सीटों पर वोटिंग चल रही है, आप पहले तो अपील कीजिएगा। और जो संगीता जी कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार। जय श्री राम, आप सभी से अनुरोध है कि भारी मतों से मतदान करिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में पूर्ण जोर सहायता करिए और राष्ट्रहित में वोट कीजिएगा। मैं बात संगीता बहन शायद ये बात भूल जाती हैं कि जब इनकम्बेंसी बात आती है, इनकम्बेंसी वहाँ फैक्टर हो जाता है जहाँ कार्य ना किया गया हो, जहाँ व्यक्ति सतत अपने क्षेत्र में उपस्थित ना रहा हो, तो वहाँ ये क्षेत्र माना जा सकता है कि कुछ एक फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं। परंतु जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 साल तक लगातार अपने क्षेत्र में संवाद स्थापित करके रहता है और उन्हीं जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जब हमारा संकल्प पत्र तैयार किया जाता है, तो वो जनता के हित में और जनता के द्वारा सजेस्ट करके जो संकल्प पत्र बनाया गया है उसको पूर्ण करने में भी जनता पहले भी हमारे साथ पिछले 10 वर्षों से लगी हुई है और आगे भी हमारे साथ उनका सहयोग बना रहेगा और उनका आशीर्वाद बना रहेगा। पिछले 3 दिन का जो घटनाक्रम निर्मला सप्रे जी के साथ हुआ, उन्होंने जो बताया, या राधिका खेड़ा जी ने जो अपनी आप बीती सुनाई है, वो जनता ने बहुत ध्यान से सुनी है कि एक मातृशक्ति को किस तरीके से बदसलूकी का शिकार होना पड़ा, बार बार किस तरीके से उनकी बेइज्जती की गई, किस तरह उनके साथ में गलत व्यवहार पार्टी के अंदर किया गया है। तो ऐसे लोग जो झूठे और थोते वादे करते थे, आज वो जमीनी स्तर पर सबको दिखाई दे रहा है और मातृशक्ति इसका आज पूरी तरीके से जवाब ठीक है, क्योंकि महिलाओं के सम्मान की आपने बात की है। संगीता जी, इस पर छोटा सा काउंटर मैं लूंगी आपसे, क्योंकि कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर महिलाएं निर्णायक भूमिका में हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी संगीता जी। देखिए, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि महिलाओं को न्याय देने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है और देश के प्रधानमंत्री एक रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हैं, प्रज्वल रेवन्या के लिए। वो मातृशक्ति इन्हें कहाँ दिखाई देती है जब 2900 महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी वीडियो जारी करता है। 2 आईटी के छात्र जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आईआईटी भुवनेश्वर की बेटी के साथ रेप कर देते हैं, वो महिला का अपमान नहीं हुआ है क्या? और मैं तो इनसे ये भी जानना चाहती हूँ कि हमारी जो पहलवान बहनें जो लगातार भाजपा के सांसद से यौन उत्पीड़न से परेशान होकर धरना प्रदर्शन कर रही थी, क्या वो महिलाओं का अपमान नहीं है? और मणिपुर की 2 बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है, क्या वो महिला का अपमान इनके लिए नहीं है? जिस पर मुझे तो लगना चाह रही है। हाँ ठीक है, प्रियंका जी काउंटर कीजिएगा, डॉक्टर किरण बघेल आपके पास आती हूँ। प्रियंका जी, पूरा पढ़ करके नहीं बैठते। प्रज्वल रेवन्या जी की अगर CDs 24 तारीख को आ गई तो FIR देरी से क्यों की गई?
कर्नाटक सरकार उस समय क्या कर रही थी? दूसरी चीज, जब बहन रजल रेवन्ना की बात करती है तो नेहा को जिस तरीके से चाकू से गोली मार के मारा गया, क्या उसके ऊपर इनको चर्चा नहीं करनी चाहिए? जब केरल से जो गायब हुई बहनें, क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो कहाँ है उनके बारे में चिंता की जाए? संदेश खाली के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस चुप रह जाती है, उस पे कांग्रेस को नहीं बोलना चाहिए? क्या रेणुका चौधरी जी, ये सुप्रिया सूले महिला होकर के महिला को अपमानित करती है, जब कांग्रेस का चरित्र चित्रण कहाँ चला जाता है? इसको भी छोड़ दिया जाए, अगर हम बात करते हैं तो अभी मेरी जो संगीता बहन बैठी हुई है, क्या वो राधिका खेड़ा जी के ऊपर एक शब्द बोलना चाहेंगी? वो तो इनके साथ की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इसके पहले प्रियंका चतुर्वेदी जो खुद पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही, उन्होंने भी इसी प्रकार के आरोप लगा करके जब शिवसेना को ज्वाइन किया था तब भी कांग्रेस के नेता चुप थे, इन्होंने उस समय भी महिला सम्मान के लिए बात नहीं करी। इसके अलावा भी अगर मैं चर्चा करने जाऊं, जब राजस्थान में रेप की घटनाएं बढ़ती चली गई तो इनके ही नेता कहते हैं ये तो मर्दों का प्रदेश है और पूरा सदन ठहाके मारता है, तब आप लोगों को आपकी पार्टी का चरित्र नहीं दिखाई देता है? तो ये जो चीजें मातृशक्ति ने ही जिस तरीके से आज झेली है, और ठीक है प्रियंका जी, अब मैं ग्राउंड जीरो पर अपने सहयोगी प्रमोद के पास चलते हैं। आप रहिए हमारे साथ, हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे, आज पूरे दिन चर्चा ही होनी है। प्रमोद, आपके पास क्या तस्वीरें हैं मुरैना से, दिखाइए। देखिए, मुरैना के कोतवाली थाने में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर बुला लिया गया। आप क्यों बुलाया वो मैं बातचीत करूंगा, पहले लोकतंत्र की खूबसूरती की तस्वीर आप देखिए। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, एक है एक तरफ देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार नजर आएंगे, दूसरी तरफ से मंगल सिंह तोमर नजर आएंगे। सर, दोनों ही प्रत्याशी चुनावी बयान तो अलग अलग नजर आए, लेकिन अब एक साथ वोटिंग वाले दिन कोतवाली पहुंचे हैं, क्या खास है? अब खास कुछ नहीं है, प्रशासन का निर्णय हो गया है तो बताऊंगा। तो क्या पुलिस ने क्या कह के बुलाया, क्या बातचीत हुई है? अरे, जो निर्देश दिए हैं कि आप पुलिस लाइन आइए पहले, अब पता नहीं छोड़ते हैं या बिठालते हैं, ये तो उनका काम है पुलिस का। अच्छा, मतदान केंद्र पे ये देखो, जो भी जिला दंडाधिकारी है वो क्यों बुला रहे हैं, क्यों नहीं बुला रहे, उन्हें लग रहा है कि दोनों ठाकुर प्रत्याशी है, आपस में लड़े झगड़े नहीं, इसलिए बुला सकते हैं। मतदान केंद्र पर भारी भीड़ देखी जा रही है तोमर साहब? मतदान केंद्र तो मतदान होगा, इसलिए भीड़ तो मतदान, तो आप भी चाहते हैं ना कि मतदान ज्यादा हो। अच्छा, सत्यपाल जी मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो सदैव मुस्कुराता रहता हूँ, मुस्कुराहट की वजह यह है कि अच्छे से चुनाव हो जाए, बस कोई वैसी दो ठाकुर एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं। रजत, दोनों को एक साथ दिखा दो। देखिए, विचार की लड़ाई है, मैंने कहा व्यक्तिगत हमारी कोई लड़ाई नहीं है, और ये देश दुनिया में मुझे लगता है व्यक्तिगत लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए। विचार की लड़ाई है, उनके अपने विचार हैं, हमारे अलग विचार हैं, विचारों को लेकर पार्टी लड़ती है। आप दोनों ने वोटिंग कर दी? मैं तो नहीं गया हूँ, चूंकि मेरा गांव यहाँ से काफी दूर है, ये अनुमति लेके फिर मैं जाने वाला हूँ। आपने कर दी वोट? हम तो वोट करें। एक बार दिखा दीजिए, उंगली दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। मैं जी दिखा देता हूँ, वोटिंग भी दिखा दीजिए। वोटिंग वाले दिन विक्ट्री। यस सर। अच्छा, चलो अपन चले। सब ठीक है, ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल। ये सत्यपाल सिंह सिकरवार हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी से मैं बातचीत कर रहा था। एक फ्रेम में दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये तस्वीर आप देखिए, आपको एसपी नजर आएंगे मुरैना के, शैलेंद्र चौहान। कानून व्यवस्था बरकरार रहे लिहाजा इसलिए बुलाया गया होगा, आईपीएस अधिकारी की अपनी व्यवस्था होती है और कानून व्यवस्था के लिहाज से संभवता बुलाया गया होगा। ये लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर, दोनों कैंडिडेट को बुलाया गया है, क्या खास है, क्या कानून व्यवस्था के लिहाज से? दोनों ने, तीनों कैंडिडेट्स हैं जो मेजर पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, सभी को बुलाया है यहाँ पे, और ये व्यवस्था पूर्व से भी यहाँ मुरैना और भिंड जिले में पूर्व से भी रहती है कि जो हमारे मेजर कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे आपसी सहमति से आकर यहाँ पे बैठ जाते हैं, कि जिससे अपना वोटिंग वगैरह वो बाद में भी कर सकते हैं या जो पूर्व में करके आते हैं वो करके आ सकते हैं। मैं लौट फिर प्रमोद आपके पास, तृप्ति के पास कुछ खास तस्वीर है। तृप्ति, हमेशा खेलते रहूं ये मेरा हमेशा से लक्ष्य रहा है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा, ये पूरा विश्वास के साथ हम आज मतदान करने जा रहे हैं। अच्छा, 2019 में हाईएस्ट लीड पूरे प्रदेश भर में आपकी थी, इस बार राजेंद्र साहू मैदान में और भूपेश बघेल अपना चुनाव निपटा के यहाँ खूब घूमे हैं गांव गांव, लगता है असर पड़ेगा? देखिए, ये सब नाम लेना छोड़िए, उपेश भूपेश अब बंद करिए, यहाँ से बोरिया बिस्तर उनकी गोल हो गई है।
राजन साहू की बात करिए, जो हम लोग दोनों भाई हैं और हम लोग क्या चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी चुनाव लड़ रही है कांग्रेस और भाजपा अपने अपने सिद्धांतों पर, और भाजपा का एक ही मोटो है कि देश आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े। कोई शासन और सरकार चलाने के लिए, शासन करने के लिए हम लोग सरकार नहीं बनाना चाहते, हम लोग देश हित के लिए सरकार बनाते हैं। और जन जन में यही भाव है कि देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, मतलब आश्वस्त है पूरी तरीके से। पूरी तरीके से। तो विजय बघेल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, 2019 में हाईएस्ट लीड से जीते थे वनू पूरे प्रदेश भर में, और इस बार भी दावा कर रहे हैं, कहना है कि सीधी टक्कर है बीजेपी कांग्रेस के बीच में। राजेंद्र साहू सामने मैदान में है और देखना है कि कैसी जंग रहती, 4 जून को नतीजे बताएंगे, लेकिन विजय बघेल इस वक्त एक सशक्त और प्रबल प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं। और बिल्कुल, दूसरी बार चुनावी मैदान में है, 2019 में भी जीत हासिल की थी विजय बघेल ने, और इस बार राजेंद्र साहू जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, उनसे उनका मुकाबला है। दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ से, और साथ ही साथ रवि ग्वालन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से छत्तीसगढ़ से पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। गंगेश जी, मैं एक कमेंट पहले आपसे ले लेती हूं, क्योंकि तीसरा चरण है छत्तीसगढ़ में, निर्णायक चरण है, आखिरी चरण है, इसको कैसे देख रहे हैं आप, क्या विश्लेषण करेंगे इसका? देखिए, 11 सीट में से 7 सीटों में इस आज मतदान है, तो निश्चित तौर पर मेन डिसाइड करने वाले सीट है ये कहना चाहिए जो बचे हुए हैं। हाँ। और इन 7 सीटों में काफी रोचक मुकाबला रहेगा, और सीधा मुकाबला भाजपा कांग्रेस का ही है छत्तीसगढ़ में, कोई तीसरी पार्टी है नहीं यहाँ तो इसमें। और दोनों में अगर देखा जाए, मुद्दे की बात अगर करें तो नरेंद्र मोदी हैं भाजपा में, तो कांग्रेस का न्यायपत्र है, और कुल मिला के ये जो चुनाव खाली छत्तीसगढ़ का नहीं, मुझे लगता है पूरे देश में भी यही स्थिति है कि नरेंद्र मोदी की गारंटी जो है इस बार काम कर रही है। पिछली बार जब नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव में आए थे, तो उन्होंने अपना एक 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया था, और उन्होंने भरोसे की बात की थी और कहा था कि आप मुझे देखिए और मुझे वोट करिए। इस बार वो अपने 10 साल के कामकाज को लेकर आए, और उन्होंने और सीधा सीधा गारंटी दी है कि ये हमारा घोषणा पत्र है और इस पर हम पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस गारंटी और न्यायपत्र के बीच का ही ये मसला है, और स्थानीय मुद्दे जो कायदे से इस चुनाव में उठने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं किनारे हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं हो पाया, और लगातार इसमें कई वो कहना चाहिए कि जो मसला है मोदी जी और मोदी जी के वर्सेस अदर पार्टी। ठीक है, ठीक है, गंगेश माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। प्रमोद हमारे सहयोगी मुरैना से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। प्रमोद, देखिए कोतवाली की तस्वीर ऐसी मुरैना में जैसी मैं दिखा रहा हूँ वैसी कहीं नजर नहीं आएगी। वहाँ SP बैठे हैं, या बीजेपी कैंडिडेट हैं, या बसपा कैंडिडेट हैं बीच में, और उस तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के आपको प्रत्याशी नजर आएंगे। SP से मैं बातचीत कर रहा था तो वो कह रहे थे कानून व्यवस्था के एहतियात के तौर पर ये व्यवस्था की गई है। बसपा प्रत्याशी रमेश चंद गर्ग जी मेरे साथ मौजूद है। सर, जो आप अंदेशा जाहिर कर रहे थे कि पुलिस बुला लेगी, बुला लिया कोतवाली थाने में? देखो, मैं तो अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ। मुझे तो चुनावी प्रक्रिया ही नहीं वाले में क्या होती है। हाँ। मेरे पास तो शाम को SP साहब का फोन आ गया था कि आपको सुबह पुलिस लाइन में आना है। हाँ। तो मैं अपने आ गया पुलिस लाइन में। अब मालूम पड़ेगी काहे के लिए बुलाया, मेरे को तो मालूम नहीं काहे के लिए बुलाया। चुनाव कैसे होगा फिर? अब जी तो अगले तो समझते है ना कि चुनाव प्रबंधन को कौन देगा, ये हमको यहाँ बैठालेंगे। तो वैसे मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। अच्छा, और इस मैसेज के बाद तो जनता और खुल के आ जाएगी सड़क पे। गर्ग नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। जनता लड़ रही, जनता तिलक लगा लिया है, मंदिर घूमा है क्या? मंदिरों में भगवान के यहाँ अपनी अर्जी लगाया है। क्या दिख रहा है वोटर? तो शहर में मैंने देखा मतदान केंद्र पर बड़ी भीड़ दिखी। नहीं, अभी मैं कुछ मतदान केंद्रों पे होके आया तो मेरे को तो इतनी लंबी लाइन नहीं दिखी सुबह सुबह। हाँ। मेरे को तो लाइन कम दिखी, जिस स्पीड से निकलना चाहिए था उस स्पीड से नहीं निकलता देखा अभी। अब यहाँ क्या कहा है पुलिस ने, कब तक बैठना है? नहीं, अभी अब चर्चा शुरू होगी, अभी SP साहब आगे बैठे, मालूम पड़ती है क्या करेंगे जी। चुनावी कमान कौन संभालेगा, कैंडिडेट को यहाँ बुला लिया तो? तो पार्टी के एजेंट हैं, मतदान केंद्र पे एजेंट रहते हैं, इलेक्शन एजेंट हैं, सब चीज। आपकी आवश्यकता नहीं है? अभी आवश्यकता तो सब है, पर अब इनके हाथों में है चुनाव तो चुनाव। अच्छा, आपने वोट कर दिया नहीं किया गर्ग साहब? वोट कर दिया नहीं? वोट नहीं किया अभी, वोट से पहले ही बुला लिया। उनने कहा था सुबह आ जाना, सुबह आ गए हम यहाँ पे। वोट डलवाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, वोट डालने से कैसे रोक सकते हैं जी हमको? क्या खबर आ रही है पूरे मुरैना लोकसभा सीट से? मैं अभी तो मैं सुबह ही जल्दी यहाँ आ गया, तो इसलिए मेरे पे कोई खबर नहीं है। अब खबर मैं लेता हूँ इसके बाद। अच्छा,
तीनों कैंडिडेट एक फ्रेम में आपको नजर आएंगे। कोतवाली थाना पुलिस से मैं आपको ये सीधी देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पहले नंबर पर है बीजेपी प्रत्याशी सिमंगल सिंह तोमर, दूसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी रमेश चंद गर्ग और तीसरे पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार आपको नजर आएंगे। पुलिस ने तीनों कैंडिडेट को कंट्रोल रूम में बुलाया है और यहाँ पर बातचीत करेगी पुलिस, ताकि मुरैना जो लोकसभा सीट है, जो बहुत संवेदनशील लोकसभा सीट कही जाती है, यहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान हुई। आप देखेंगे तीनों के चेहरे जो हैं वो ब्लस करते नजर आ रहे हैं और दो दिन पहले तक बयानों वाले बवाल हमें दिख रहे थे प्रचार के दौरान, लेकिन अब आप देखेंगे तो जो राज्य ये एक सुचिता वाली पॉलिटिक्स हमें मुरैना में देखने को नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल प्रमोद, और ऐसी तस्वीरें बहुत विरले ही दिखाई देती हैं, लेकिन ये सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से ये कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया है कि सभी प्रत्याशियों को फिलहाल बुलाया गया है कोतवाली थाने में, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, सबको समझाइश भी दी जाएगी और जो प्रोसेस होता है चुनाव आयोग का वो प्रशासन की तरफ से इसको फॉलो किया जा रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स बने हुए हैं, पल पल की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और बार बार यही अपील आपसे करेंगे कि इस चरण में रिकॉर्ड को तोड़िए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकलिए, खुद भी वोट डालिए, अपने रिश्तेदारों को प्रेरित कीजिए, अपने दोस्तों को प्रेरित कीजिए और मतदान स्थल तक पहुंचिए इससे पहले कि दोपहर 12 बजे में गर्मी हो जाए। आप जल्दी से जल्दी अपने घरों से बाहर निकल के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और लगातार देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक छोटा सा ब्रेक है।